पढ़े थे। अच्छा औसत चाल निकाल रहे थे ना। चलो कौन, एक कंडीशन हुई थी केवल, एक ही हुई थी ना, हाँ, कि अगर कोई पार्टिकल मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा है ए से बी पर, तो डिस्टेंस निश्चित है ना बीच की, दूरी निश्चित हो गई। गया कितने से, वी वन से, लौट के कितने आया, वी टू से, तो औसत चाल कितनी बनी। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, वी एवरेज बराबर कुल दूरी। तो कुल दूरी मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक गया तो दूरी कितनी चला, तो एक्स, लौट के कितना आया, एक्स, तो कुल दूरी हो गई, बटा कुल समय। तो कुल समय जाने में समय टी वन मान लेते हैं और आने में टी टू, और समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ऊपर जुड़ के कितने बन गए, टू एक्स, दूरी हो गई जाने में कितनी एक्स, और चाल कितने गया, और लौट के कितनी दूरी चला, और चाल कितने से, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या है, टू वी वन वी टू अपान वी वन प्लस वी टू, ठीक, ये समझ गए ना। एलसीएम ले लीजिए। क्वेश्चन कैसे कैसे इस पर, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ स्थान ए से, ये चूजा है, आ चूजा तुम्हारा इंट्रो करा दें, हाँ ये हमारे यहाँ देखो चूजा है, ये डायरेक्ट फर्स्ट ईयर क्लास में आना चाह रहा है पढ़ना, ठीक, हाय करो सबसे, हाय करो, हाय करो, हाय, हाँ ये डायरेक्ट फर्स्ट ईयर क्लास पढ़ना चाह रहा है, सबसे मिलना चाह रहा था, कैसा लगा, अच्छा, अच्छा लगा, चलो ठीक है, चलो पढ़ाते हैं बच्चों को फिर। तो ये गया यहाँ से मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक, और यहाँ कहाँ जाना था इसको, बी स्थान पे, मान लो यहाँ स्कूल था, ये घर था, तो जब ये यहाँ गया तो वहाँ से लौटा, तो लौटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक। ध्यान इसमें ये रखना, ये देखना कि यूनिट बराबर होनी चाहिए, जैसे यहाँ मीटर पर सेकंड हो जाए, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो फिर चेंज करके लगाना, तब ना डायरेक्ट कर लेना। तो औसत चाल कितनी बनी, अब तो आपको पता है ना भाई, दूरी गया जितनी उतने तो लौट के आया। कंडीशन क्या आई, 2×40×60 बटा 40+60 कितने बने, ऊपर कितने बने, अरे चलो लिख लेते हैं, 60×100 दो जीरो हटा दीजिए, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो ये स्टॉपेज ले ले बीच बीच में, ठीक, जैसे स्थान ए है, बीच में कोई स्थान सी है, और जाना कहाँ तक था, बी तक, यहाँ से गया वी वन से, और आगे इसने अपनी स्पीड बदल दी, वी टू कर दी, यहाँ से सी तक गया वी वन से, और यहाँ से चाल इसने बदल ली, हो सकता है इसको देर हो रही हो, या पहले आराम से चला, इसने ए से बी तक जाना था, मान लो यहाँ को इसका दोस्त खड़ा था और यहाँ पर ये था, तो पूछा कि हाँ भाई कितनी देर में आ सकते हो, उसने बोल दिया कि हाँ भाई एक घंटे में आ सकते हैं, लेकिन बाद में उसको लगा वो धीमे चला, तो बाद में पता चला कि नहीं हमको जल्दी पहुँचना, तो इसने स्पीड अपनी चेंज कर ली। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि चाल दोनों जगह बराबर नहीं ले रहा है, ठीक। अब टोटल दूरी अगर यक्स है तो ये दूरी आधी मान लें, एक बार आधे बात कर लो, फिर कम ज़्यादा कर लेना, अगली भी दूरी कितनी हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना औसत चाल इसकी कितनी बनी, कुल दूरी कितनी बनी भैया, एक्स बाई टू और एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग गया, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितनी चला, एक्स बाई टू, चाल कितनी हो गई, वी वन, यहाँ दूरी कितना चला, चाल कितनी बनी, अगर ऊपर जोड़ दो तो केवल एक्स बचे, और नीचे एक्स कामन ले लो तो 1/2v1 और 1/2v2, एक्स एक्स कैंसिल, फिर से वही कंडीशन आई, वही कंडीशन फिर आ गई। क्या हमको पता चला कि डायरेक्ट अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाए, वहाँ से फिर वापस चलाए, तो औसत चाल कितनी बनी, निकाल लेंगे 2v1v2/v1+v2, लेकिन अगर उसने स्टॉपेज कर दिया बीच में तो भी फार्मूला वही आएगा। फार्मूला क्या बनेगा, तो क्या अब मान लो एक सवाल लेते हैं, पहले चला 2 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत धीमे धीमे, फिर एक व्यक्ति था
यहाँ तक कितने से आया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद इसको लगा कि नहीं हमको जल्दी पहुँचना है, तो इसने अपनी स्पीड कर दी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ तक जाना था। तो उससे चल कैसे निकालोगे, 2V1 गुड़े V2 बटा V1 प्लस V2, ये भैया कट के कितने बचे 2, और इसको काट दो कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 3 जगह स्टॉपेज करा दे, कोई दिक्कत, 3 जगह करा दे स्टॉपेज, बन जाएगा ना, नोट हो गया। अगला देखो, अगर 3 स्टॉपेज ले लेता हूँ, तीन पार्ट बना देंगे ना, चलो मान लेते हैं कि एक कोई रास्ता है और ए बिंदु, ये कौन सा है, बी बिंदु। यहाँ पर मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक, चूजा ही मान लो, चूजा है और यहाँ एक चूजी है, ठीक, ये चूजा और ये, ये चूजा हो गया और ये चूजी, इस चूजा को चूजी यहाँ आना है, ठीक, और क्या करिए, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है कोई फिक्स है, जो भी होगी नहीं पता, लेकिन हम यो कंडीशन पढ़ रहे हैं जिसमें चाल और केवल दूरी पर बात हो रही है। ठीक, सवाल हम क्या हो रहा है, चाल दी जा रही है और डिस्टेंस की बात हो रही है केवल। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, चाल होगी और टाइम होगा। ठीक, तो यहाँ से जब यह चला तो टोटल की थर्ड दूरी जो भी मानना हो, मान लो V1 से चला और यहाँ पर इसको लगा कॉल आई, देर लगा, देर हो रही, तो अगली दूरी कितना चला V2 से, मतलब चाल अपनी चेंज करे, हो सकता है फिर इसको चाल चेंज करनी पड़े और देर लग रही हो, तो शेष दूरी कितना चला V3 से। तो अगर औसत चाल अगर पूछी जाए, भाई चूजा चूजी यहाँ कितने तेज आए, फिर कितने औसत चाल से आया, तो कुल दूरी कितना चला भैया, x बाई थ्री, मतलब x बचाइए अपन, यहाँ टाइम कितना लगेगा, दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गई x/3, चाल हो गई v1, x/3, चाल हो गई v2, x/3, चाल हो गई v3, दूरी बटा चाल। अब ऊपर तो केवल x बचा, ये जुड़कर कट जाएंगे, अगर यहाँ पर x/3 कामन ले लो तो बचा कितना, 1/V1, 1/V2, 1/V3, मतलब LCM V1 V2, तो ये दोनों एक साथ, मतलब V1 V2, अगला V2 V3, अगला V3 V1, तो ये कैंसिल हो गए, तो क्या इक्वेशन मिली, 3V1 V2 V3 अपॉन V1 V2, V2 V3 और V3 V1। गड़बड़ तो नहीं कर, अब यह ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, रेलवे में क्वेश्चन क्या था कि एक कोई व्यक्ति है, एक स्थान से उसको दूसरे स्थान तक जाना है, तो पहली कहा था थर्ड दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, अगली थर्ड दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, सेम डाटा है, मतलब याद है क्वेश्चन यही था, फिर अगली दूरी 50 किलोमीटर पर आवर से चला और यहाँ तक उसको आना था, शेष दूरी मतलब पहली थर्ड दूरी इतने से, सेकंड थर्ड दूरी इतने से, तो शेष दूरी बची कितनी, x/3, थोड़ा इतना चेंज किया था, कितने चला 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो औसत चाल कितनी बनी, तो बड़ा बहुत आराम से निकाल सकते हैं, कंडीशन क्या लिखी, 3V1 V2 V3, बाकी कट लिख लीजिए वहाँ से, तो 3V1 कितना 25, V2 कितना 40, अगला कितना 50, बटे में V1 V2 की गुणा, इनके गुणा 25 चौके 100, 10 और इसके इसके गुणा 5 चौके 200 कहाँ 2000 यार, अरे 5 चौके 20 और 2 हमारे 2000 होते हैं, अगला 2550 की गुणा 1250 है ना, जोड़ दीजिए इनको, ऊपर गुणा मत करिए, नीचे जोड़ो, कितने तुम जानो, 10 10 कहीं काट दो, ये 25 से कट दी ना, 25 से काटो, 25 अट्ठे 200, तो 16 बार लगा 400, 17 बार लगेगा ना, 17 बार, तो
ऊपर कितने बने, पाँच चौके बीस, बीस तिहाई साठ, 600, गड़बड़ तो नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा। आगे काट लीजिए इसको, ठीक, 17 चौके 68, 17 3 3 पॉइंट कुछ समथिंग है ना, हाँ सही है, ठीक, उसके लिए कोई बाउंड नहीं किए हैं। चलो जी इधर भैया, इस टाइप हो जाएगा ना, लेकिन अगर ये डिस्टेंस कम ज़्यादा हुए तब, अगर ऐसे होंगे तब तो आप जान गए कि हम डायरेक्ट लगा सकते हैं ना, कम ज़्यादा होंगे तब क्या करेंगे, देखो क्या हुआ, जैसे अगर मान लो सब फिजिक्स मानन लो भैया है, कोई पार्टिकल यहाँ से चला V1 से और ये फोर करो, अब ठीक, अब सही, तो पहली जो थर्ड तीन चौथाई दूरी कितने चल रहा है V1 से, फिर बची वाली जो बची कितनी है X/4, ये कितने चला, और यहाँ तक उसको आना है, औसत चाल क्या बनी, तो कुल दूरी कितनी बनी भैया, 3x/4 x/4, यहाँ समय लगा या दूरी बटा, तो दूरी बटा चाल कर दो, 3x/4 v1, और इधर कितने बने, हाँ x/4 v2, ऊपर तो केवल x बचा भाई, 3 और 1 4 4 4 कट गया, इतना बचा, नीचे कामन कितना आ गया x/4, तो 3v1 और 1/v2, एक्स एक्स हट गए, 4 गया ऊपर, v1 गया ऊपर, v2 गया ऊपर, ठीक, ये यहाँ और ये यहाँ, तो 3v2 + v1 बना, याद रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं, संख्या चेंज है ना, तो आप थोड़ी ना वैसे याद रह कर पाओगे, याद कर लो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हुआ तो देखो कैसे करना है, 3x/4 कितने चला और x/4 कितने चला, तो अगर डायरेक्ट एवरेज लिखना है तो जितना ये बटेम चल रहा है दोनों बराबर हों, हर बराबर हो, तो जितना चल रहा है वो v1 v2 के साथ ले लो, हर जो बराबर होगा तो उनको किसके साथ ले लो, v1 v2 के साथ, फिर यहाँ वाला उठा के इसके साथ और ये वाला उठा करके इसके आगे जो जक्स के होगा उसके साथ जोड़ दो, नहीं समझ पा रहे भाई, यहाँ पे V2 लिखा 3 ले लो, प्लस ये इसके आगे कितना चल रहा है 1, यह तो है, बन जाएगा, अब तो बना लोगे, जैसे एक सवाल दे तुमको, मान लो एक कोई व्यक्ति यहाँ है, उसको यहाँ तक आना है, ये पहले चला 2 किलोमीटर प्रति घंटा से दूरी ले लेते हैं, 5/6 दूरी, टोटल दूरी का 5/6, कितने चला 2 किलोमीटर, फिर उसने अपनी स्पीड बदल के 3 किलोमीटर प्रति घंटा करी, अब दूरी कितनी चला x/6 बची तो होते ना, तो बताओ औसत चाल क्या बनी, तो डायरेक्ट लगाया जाए, क्या तरीका बताया है भाई, जो बटेम चल रहा है वो लिख लो, 2 × 3 बटे वाला लिखो, इन दोनों गुणा कर लो, ठीक, अब यहाँ जो है वो इसके साथ और यहाँ जो है इसके आगे एक साथ, तो ऊपर कितने बन गए, 12 × 3 5 3 15 2 17, 12 3 36 36/17 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, तो अगर कम ज़्यादा अगर हो जाए तो लगा लोगे पक्का, तब से हो जाएगा। एक बार एक महात्मा जी थे, महात्मा वाली कहानी ज़्यादा आ रही है ना, तो विदेश एक विदेशी आदमी ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी ये बताइए कि आपके ही देश में ये भगवान राम भगवान श्री कृष्ण क्यों जन्म लिए, तो महात्मा जी ने सीधा जवाब दिया कि हमारे यहाँ जो पृथ्वी है उसको माता के समान दर्जा दिया गया है, उसको हम लोग पूजते हैं, माँ मानते हैं, और जहाँ माँ होगी वहीं तो बेटों का जन्म होगा, पैर छूने की परंपरा तो एकदम चेंज हो गई रे, पैर छूने में क्या नियम होता है,
दाहिने हाथ की ये जो उंगली है, ये जिसके पैर छुओगे उसके दाहिने पैर के अंगूठे पर टच करनी चाहिए, तब तो गुण ट्रांसफ़र हुए। अब आधे ऐसे दूर से ये गांठे पे हाथ मार के भाग लेते हैं लड़के, ये पैर छूने की परंपरा है क्या? अच्छा टीचर भी जूते पहनने लगे हैं के लिए। अगला देखो, अगर तुम परिवर्तन ला सकते हो तो टीचर भी तो ला सकता है। तुम पैर छूने परंपरा बदलो, टीचर अपने परंपरा चेंज करें। अब बात करते हैं किस पर, डिस्टेंस एंड टाइम पर। ठीक, दूरी और अगर समय पर बात करते तो जैसे जैसे ए को स्थान है ए, और ये बी स्थान है, किसी व्यक्ति को स्थान ए से स्थान बी तक जाना है, अब इसने स्टॉपेज लिया बराबर करते हैं, चलो बराबर एक्स और एक्स पर, लेकिन हाँ बात यह है, हटाइए इसको, वी वन से चला तो टाइम लगाया उसने, और वी टू से चला तो टाइम लगाया टी टू, तो औसत चाल क्या बनी, कुल दूरी यहाँ तक की दूरी कितने बनी, चाल गुणे समय वी वन टी वन, और यहाँ से आगे कितनी बनी, वी टू बटे में टी वन प्लस टी टू, समय जोड़ लो सीधे, यहाँ दूरी कोई बात है नहीं, कितनी दूर खड़ा हमसे नहीं मतलब है, ठीक, कहाँ पर कौन खड़ा है कितनी दूर हमसे कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि टाइम, और इस पर अगर बात हो रही है भाई, यहाँ से कुछ दूर गए इतनी चाल से इतना टाइम लगाया, आगे की शेष दूरी जो बची वो तय करने में इतनी चाल से इतना टाइम लगाया, तो इस पर बात होगी। अगर सोचो टाइम बराबर लगता तो क्या कंडीशन होती, वी एवरेज बराबर वी वन टी प्लस वी टू टी अपान में टू टी, और ये कैंसिल हो गए तो वैल्यू क्या आई, वी टू बाई टू। ठीक, सवाल लें, चलो देखो इधर, एक कोई चूजा है उसको यहाँ आना है, ठीक है, चूजी पास में, ठीक, चूजा को यहाँ आना है, यहाँ से चला 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, और अगला चला 10 किलोमीटर प्रति, जब भी ऐसी बात होगी तो पहले धीमे बाद हम तेज है ना, या हो सकता पहले तेज, यहाँ टाइम लगा इसने 2 घंटे चला, और यहाँ पर 1 घंटा चला, भाई चाल कम है तो समय ज़्यादा, चाल तेज है तो समय, सवाल का अरेंजमेंट भी ऐसे ही होगा, औसत चाल कितनी बनी, क्या कंडीशन भैया, 5 गुणे 2, अरे ये गुणा ये गुणा और ये जोड़, तो कितने बने, 10 और 10 20, 20 बटा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अगर कोई टाइम बराबर वाला होता तो इधर 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 एक सवाल और बढ़िया लेते हैं, चलो बढ़िया क्या इसमें, हाँ सब टाइम पास है इसे, ठीक चलो, अब ये जा रही है तो यहाँ से जब इसको यहाँ तक जाना था तो यहाँ तक आधे घंटे चले, कितना 30 मिनट, ये चली 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, और आगे भी 30 मिनट, 30 मिनट लोगों का काम ही नहीं, चलो लेते हैं 30 मिनट, अब चलिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, टाइम ज़्यादा है, टाइम बराबर है ना, चलो कोई बात नहीं। ठीक, अब पूछा जाए औसत चाल बताइए, तो औसत चाल में देखो ये किलो, ये किस में दिया है, मिनट में है ना, और ये भी किस में है, तो इसको घंटा बनाओ फिर, तो 1/2 घंटा बना, 1/2 घंटा बन गया। ठीक, औसत चाल कितनी बनी, इतने गुड़े इतने 81 गुड़े 1/2, और इधर का 8 है, गलती से हो गया, कौन सा बता रहे हैं, देखो तो इतना बटे में टाइम का जोड़ मतलब 1/2 प्लस 1/2, ये कितने आ गए 4, ये कितने बने
तीन, नीचे कितना बचा, तो ऊपर कितने बने 7 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना ठीक है। और अगर तुम ऐसे लगाते इसको तो गलत कर देते, V1 प्लस V2 बाई 2, जोड़ो कितने आ गए 14/2, 7 किलोमीटर। क्या समझ में आया? अगर टाइम बराबर लग रहा है, टाइम बराबर, और टाइम बराबर लगा तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ख़त्म कर लो, ठीक। और अगर टाइम कम ज़्यादा है तो इस प्रोसेस से गुजरना, इसीलिए सामने दोनों बातें कराई हैं। ये सवाल हमने इससे भी लगाया और इससे भी लगाया, जितना आंसर इससे आ रहा उतना इससे आ रहा है, ठीक। तो अगर समय बराबर लग रहा है तो उनके जो मात्रक दिए गए, यूनिट दिए गए हैं, यूनिट को चेंज करने कोई ज़रूरत, डायरेक्ट लगा लीजिए। टाइम की बात हुई है, इसमें चेंज हो, ये मीटर पर सेकंड हो, किलोमीटर पर घंटा, तब नहीं, तब चेंज करना ही पड़ेगा आपको, ठीक। और अगर टाइम बराबर नहीं है तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना है, टाइम बराबर है तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना है, तो देख करके ही बता सकते हो। अगला देखो, अगर तीन तीन स्टॉपेज हो जाए तो, कोई व्यक्ति बैठा है इस पर गाड़ी पर, साइकिल पर है ना, ये पहले चला V1 से, फिर चला V2 से, और फिर चला V3 से, टाइम T1 लगाया, T2 लगाया, T3 लगाया, टाइम बराबर नहीं है, चाल बराबर नहीं, इसका मतलब दूरियां अलग अलग तय कर रहा है, ठीक। औसत चाल कितनी बनी इसकी, तो ये इस दूरी निकालो यार, V1 T1, V2 T2, V3 T3, और भी तो हो सकते हैं, आप जितने चाहो उतने बना सकते हो, ज़्यादा नहीं इस पर टाइम पास करेंगे, ठीक। T1 प्लस T2 प्लस T3, अगर टाइम बराबर बराबर लगा दे, बराबर टी मान लें, तो वी एवरेज कितना है यार, V1 प्लस V2 प्लस V3 अपान 3, भाई 2 होंगे तो 2 से भाग, 3 होंगे तो 3 से भाग, 4 होंगे तो 4 से भाग, सवाल हो जाएगा इस पर। चलो, एक पार्टिकल चला 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगली दूरी चला 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगली चला 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, जाना था यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ टाइम लगाया, बराबर ले कम ज़्यादा, चलो बराबर ले लो, बाकी तो जान ही गए, चलो 30 मिनट, यहाँ भी 30 मिनट, यहाँ भी कितने 30 मिनट। अब अगर घंटे में कन्वर्ट इस सवाल को करेंगे, नहीं करेंगे इसको, कोई ज़रूरत नहीं करने की, टाइम बराबर है तो है, और टाइम बराबर होगा तो चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या लिखेंगे, वी एवरेज बराबर 2 + 4 + 6/3, 6 × 4 = 10, 12/3 बोले तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। औसत वाली कहानी क्लियर हुई, चलो अब कुछ दूसरे टाइप के लिखते हैं।